आज हम बनाने वाले समोसा और चटनी इमली की। तो समोसा के लिए हमने इधर आटा सान के रख लिया है, ये धनिया मिर्ची अदरक और ये बटाटे को बॉईल करके रख लिया है। तो ये बाद में बनाएंगे थोड़ा समोसा, पहला चटनी बना के दिखाते हैं आपको इमली की। तो इमली की चटनी के लिए ये इमली का पल्प ले लिया है हमने, इमली को छान के उसका बीज निकाल लिया है, अच्छे से उसको छान दिया है। अभी ये हमने शक्कर का पाक करके रखा है, शक्कर को पानी में पिघला के पका के अच्छे से रख दिया है और ये अभी इसके अंदर डालेंगे। इसको अच्छे से डाल लेंगे, देखो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत इजी रेसिपी है चटनी बनाने की, ज़रूर बनाइए आप। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, तीखा मीठा खट्टा दबे। अब इसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। हम थोड़ा पका रहे हैं इसको घट होने के लिए, अभी थोड़ा पतला है देखिए, तो चलाते रहेंगे थोड़ा घट हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें खरबूजे का बीज भी डाल सकते हैं, हम किशमिश डाल रहे हैं, डाल दिए। इसको थोड़ा पकाएंगे अभी हम। गैस पे हमने कढ़ाई रख लिया है, कढ़ाई में अंदर तेल डाल दिया है और अभी इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। हमारा तेल गर्म हो गया है, अब इसमें मिर्ची डाल देंगे, अदरक डाल देंगे। थोड़ा सा इतना सा हल्दी पाउडर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालते इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ा सा। अदरक को अच्छे से लाल होने देंगे। हम इसे काली कढ़ाई में बना रहे हैं, कढ़ाई में अच्छा बनता है समोसा, इसलिए। जीरा को हमने भूज के इसको मैश कर लिया है ऐसे दानेदार, अभी इसको डाल देंगे इसमें, पूरा डाल देंगे, इससे खुशबू आता है और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अभी हम इसमें आलू डाल देंगे, यहाँ पे आलू हमने बॉईल करके ले लिया, इसको अच्छे से मिक्स करके अभी डाल देंगे आलू इसमें। अभी इसमें हम नमक डाल रहे हैं, नमक अपने स्वाद अनुसार लीजिए, और अभी इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। अभी एक चम्मच इसमें गरम मसाला डालेंगे, हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने गरम मसाला डाल दिया इसमें एक चम्मच, शेंगदाना ले लिया, शेंगदाने को अच्छे से भूज के डालेंगे, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा, इसके लिए इसको अच्छे से भूज लें तवे पे। और यहाँ पे मसाला देखो हमारा, अभी इसके अंदर धनिया डाल देंगे, तो हमने भुजा था वो अच्छे से हो गया, इसको कूट लेंगे अच्छे से और इसको डाल देंगे समोसे में, समोसे के मसाले में डाल देंगे। अभी हमें शेंगदाने को डाल देंगे इसमें, अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, शेंगदाना डालेंगे वो, बस हमारा मसाला रेडी है। आपके पास मटर हो तो मटर भी डाल सकते हैं, हमारे पास नहीं था इसके लिए हमने नहीं डाला। तो चलो अभी समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अभी हमने आटा ले लिया है,
आटे को ऐसा गोल बना के इसको पेड़ा बना लेंगे। इसको बेल लेंगे अच्छे से। इसको लंबे में बेलेंगे, राउंड नहीं मांगते हैं। अभी चाकू लेंगे और इसको बीच में से काट देंगे। एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया। अभी क्या करेंगे, ऐसा करेंगे फोल्ड, यहाँ से ऐसा प्रेस करेंगे थोड़ा, और यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे ऐसा, फिर इसको ऐसा करेंगे, फिर इसको ऐसा हाथ में उठा देंगे। इसके अंदर ऐसा मसाला भर देंगे। मसाला भर देंगे अच्छे से, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसा फोल्ड करेंगे, ऐसा फोल्ड करेंगे तो अच्छा दिखेगा। इसके अंदर साइड ऐसा प्रेस करेंगे, फिर इसको ऐसा, तो ऐसा ही हम सब बना लेंगे समोसे को। समोसा बन गया है, अभी इसको हम फ्राई करने जाएंगे। कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई में तेल डाल दिया है और हल्का कढ़ाई गर्म हो जाएगा तभी डाल देंगे, ज़्यादा गर्म नहीं होने देंगे तेल, नहीं तो ये अंदर से पकेगा नहीं, खाली ऊपर ऊपर से पक जाएगा। इसमें डाल लेंगे अभी, चार समोसे को हम ऐसे डाल के छोड़ देंगे, हिलाएंगे नहीं। तो देख सकते हो आप, ये थोड़ा बॉल स्टार्ट होने लग गया पकना, तो इसको चलाएंगे नहीं, अभी तक हमने चलाया नहीं, इसको चलाएंगे नहीं। अभी हो रहा है, देखो कलर आ गया इसमें, अभी हो जाएगा तो आपको दिखाते हैं। इसको अच्छे से दोनों तरफ से पकाएंगे, अच्छे तरह से मस्त कुरकुर हुआ है। स्लो गैस पे डालने का नतीजा क्यों डालते क्यों है, क्योंकि इसके पर बबल्स ना आ रहे, तो ये किसा बबल आने लग जाते तो ख़राब हो जाता है। इसके लिए ऐसे ही डालेंगे तो देखो इस पर कितना अच्छा बना मार्केट जैसा। तो मीडियम गैस नहीं तो स्लो गैस रखो फिर डालो, नहीं दम तेल गर्म रहेगा तो इस पर बुलबुले आ जाएंगे, बुलबुले सब अच्छा नहीं लगेगा। फिर अभी ये समोसे को निकाल लेंगे, इसी तरह से सारे समोसे को निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे समोसे को हम तल लेंगे। समोसा बन के रेडी हो गया है और चटनी भी, तो बनाइए खाइए, कमेंट में ज़रूर बताइए आपको हमारे समोसे की रेसिपी कैसी लगी, और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को आपको ऐसी अच्छी चटपटी रेसिपी के लिए।